हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नई मूवी की रिव्यू लेकर आए हैं, फाइटर। इस फिल्म की बात करें तो यह एक बहुत ही धमाकेदार और रोमांचक एक्शन फिल्म है, जिसमें हैरतंगेज कलाबाजियां दिखाया गया है। इस फिल्म में हैरतंगेज कलाबाजियां के नायक हैं ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, ऋषभ साहनी, करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबेरॉय और आशुतोष राणा। इस फिल्म का डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद। फाइटर की कहानी बहुत ही उत्साहजनक है। फिल्म की शुरुआत में ही ऋतिक अपने साथी फाइटर पायलट्स को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, जो हमें यह बताता है कि कठिनाइयों का सामना करना ही एक वीर और सच्चा देशभक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है। इस फिल्म को देखने के बाद आपके अंदर एक नया जोश और उत्साह का संचार होगा। इसे देखने के लिए हमारा आग्रह है कि आप इसे अवश्य देखें। फिल्म की अवधि है 2 घंटे 46 मिनट। यह फिल्म हिंदी एक्शन थ्रिलर श्रेणी में आती है। आइए अब हम इस फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को जानते हैं। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों को एक महत्वपूर्ण मिशन का आदेश मिलता है। इस मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन रॉकी, अनिल कपूर अपनी एयर ड्रैगन यूनिट के लड़ाकू पायलट्स को चुनते हैं। इस मिशन में शमशेर पठानिया, ऋतिक रोशन, मिन्नी, दीपिका पादुकोण, ताज, करण सिंह ग्रोवर और बाश अक्षय ओबेरॉय शामिल होते हैं। मिशन के दौरान कई आतंकी कैंपों को नष्ट किया जाता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स भी भारतीय हवाई ठिकानों पर हमला करती है, लेकिन भारतीय वायुसेना उनका मुंहतोड़ जवाब देती है। फिल्म के दौरान देखने को मिलता है उत्साहजनक और रोमांचक एक्शन। फिल्म में कई बार फाइटर प्लेन की जबरदस्त फाइट सीन्स हैं, जो दर्शकों को अपनी सीटों पर बंधे रखते हैं। फिल्म की कहानी में सुंदरता है और सिद्धार्थ आनंद ने इसे बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, VFX और बैकग्राउंड स्कोर को भी बेहतरीन बनाया है, लेकिन कहीं कहीं फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और संगीत भी कुछ खास नहीं है। कुछ गाने फिल्म की रफ्तार को धीमा करते हैं और इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग टेबल पर थोड़ा और काम किया जा सकता था। एक्टिंग की बात करें तो ऋतिक रोशन ने फाइटर पायलट के रोल में अपनी अदाकारी का परिचय दिया है और दीपिका पादुकोण ने फिर से अपने अभिनय के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया है। अनिल कपूर, ऋषभ साहनी, करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबेरॉय जैसे कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। इस फिल्म को देखने का क्या कहें? अगर आप ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के फैन हैं और आपको लड़ाकू जहाजों की आसमानी जंग पसंद है, तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए।